अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। मैं संजय बागवानी। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हर साल की तरह इस साल भी गणपति के 13 दिन पर शक्ति गणपति का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग शहरों से भक्त आए और बप्पा का आशीर्वाद लिया। आइए देखते हैं। श्रद्धा का यदि अद्भुत नज़ारा आपको विश्व में कहीं भी देखने को मिलेगा तो वो आपको मिलेगा शक्ति गणपति के इस महायात्रा में। जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में शक्ति गणपति की जो महायात्रा रहती है वो प्रसिद्ध होती है, हर वर्ष जिसका आयोजन किया जाता है, इस वर्ष भी इसका जो आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से कि जो भक्ति होती है उसमें किसी भी प्रकार का दर्द या फिर उसका कोई आकार नहीं होता, तो उसी प्रकार का जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे शहर उल्लासनगर में, हर वर्ष इस वर्ष भी है देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अद्भुत नज़ारा होता है, जो कि भक्ति का नज़ारा यदि कहें कि जो अद्भुत भक्ति होती है वो इस प्रकार से होती। मान्यता ये मानी जाती है कि किसी भी प्रकार की यदि मुरादें आप शक्ति गणपति से मांगते हैं तो वो जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और उसके बाद जो है इस प्रकार की भक्ति का जो है प्रदर्शन यहाँ पे भक्त करते हैं, और वो नज़ारा भी आपको देखने को मिल रहा है। बस यदि बात करें तो आज के ज़माने में जिस प्रकार से जो कि टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, इस प्रकार की जाती है, लेकिन वही जो नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये नज़ारा ये देखने को मिलता है कि जो भक्ति होती है उसका एक अद्भुत नज़ारा हर वर्ष देखने को मिलता है, और साथ ही जो तकलीफ यहाँ पे भक्त झेलते हैं अपनी मुरादें पूरी होने के बाद, ये जो है श्रद्धा का एक आकार होता है। और बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस वर्ष भी जो है धूमधाम से शक्ति गणपति यहाँ पर हमारे शहर में होते हुए निकल रहे हैं, और सभी लोग जो है दूर दराज से दूसरे शहरों से भी देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गणपति बापा में बड़ा शक्ति है, इतनी शक्ति है कोई भी अपने दुख बोलकर आएंगे उनका दुख दूर हो जाता है। यहाँ पे जो भी अपना मन्नत लेके आते हैं उनका मन्नत पूरा हो जाता है। इसके लिए अपने मन्नत को पूरा करने के लिए इन्होंने लिंबू या सुई या वगैरह जो भी है, किसी को नारियल का मन्नत रहता है, कोई लिंबू टोचने का रहेगा, कोई बोलेगा हमने इसको वेल बोलते हैं हम लोग, वेल डाल देते हैं, किसी को इच्छा है कि हमको रथ खींचना चाहिए क्योंकि गणपति बापा हमारे पीठ पे सवारी करे, हम चूहा बनकर दौड़े, ये समझ के उन्होंने मन्नत मांगते हैं, उसमें जो भी है उनकी मन्नत पूरा हो जाता है। जो भी बातें बप्पा की इच्छा रहेगा तभी उनके पेट पे सवारी करता है। हम लोग चिट्टी उड़ाते हैं, चिट्टी निकलने के बाद ही उसके ऊपर हम लोग सुई टोच के अपना रथ खींचने लगाते हैं। यह परंपरा हम लोग 40 सालों से चल रहा है, ये माना 42 साल 40 हो रहा है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लोग हमारे को पुलिस के तरफ से पूरी सहयोग मिल रही है, बहुत कुछ अच्छे तरफ से बोल रही है, और यहाँ के जो पब्लिक भी है हमारे लिए बहुत सहयोग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये जो गणपति है, पहली बात तो कुदरती शक्ति है जिसमें मेरे भाई का लड़का है, उसमें 4 साल से ये कर रहा है। पर ये जो शक्ति है, जो आदमी लोग को माने कुदरती शक्ति मिलती है, इतना वजन इतना करके जो अपना पंजाबी कॉलोनी से निकलते हैं वो अपना इरागा तलक, इसको माना ये गजानन स्वामी की बहुत अच्छी गन बहुत इनकी शक्ति मिलती है। और पहली बात तो आपका जो चैनल है, हर टाइम आपको जो चैनल है पंजाबी कॉलोनी से लेके उल्लास तलक जो हर न्यूज़ दिखाते, और अच्छा जो भी न्यूज़ रहता है एकदम क्लियर न्यूज़ दिखाते,
जैसे भी जिसका कोई भी है गणपति है ये हो, तो ये चैनल का हम लोग बहुत आभारी है, हर टाइम आभारी रहते और ये चैनल बहुत आगे बढ़े। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। सेंट्रल पुलिस स्टेशन उल्लासनगर 3 के सामने वाले रास्ते पर हो रही है पानी की बर्बादी। पिछले कई सालों से हर रोज कई लीटर पानी हो रहा है वेस्ट। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की ऑफिस बिल्कुल सामने होने के बावजूद भी ऑफिसर्स इस समस्या को कर रहे हैं नजरअंदाज। हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर 3 के मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। इस परिसर में पिछले 4-5 वर्षों से एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो हर महीने उभर कर आती है। वो ये कि इस एरिया में यानी कि इस परिसर में जो पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली जो पाइपलाइन है वो कई सालों से इसी तरीके से लीक है। हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ दृश्य यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि ये पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण यानी टूटी हुई होने के कारण इस परिसर में जब भी पानी की आपूर्ति करने के लिए पानी छोड़ा जाता है तब तब यहाँ पे हज़ारों लीटर पानी इसी तरह वेस्ट हो जाता है यानी कि रास्ते पर बह जाता है। यही नहीं, ये पाइपलाइन इस तरह से लीक है, इस तरह से टूटी हुई आप देख सकते हो कि इसकी जो इसका जो प्रेशर है वो सीधा रास्ते पर जाता है यानी कि जो टू व्हीलर वाहन जो चलाते हैं, टू व्हीलर पे जो सवार होके यहाँ से जाते हैं उनके ऊपर ये पूरा पानी उड़ जाता है। और कहीं ना कहीं नागरिकों को कई बार कई ऐसी जगहों पर जाना होता है जहाँ पर उन्हें जल्दी जाना और उसी के साथ साथ क्लीन एंड नीट जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ से गुजरते वक्त वो यहाँ से गीले होके निकलते हैं। यही नहीं, यहाँ से बस 4-5 कदमों के दूरी पर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट भी है, लेकिन यहाँ पे कई बार इस पानी की पाइपलाइन को टेम्पररी रिपेयरिंग किया तो जाता है लेकिन हर महीने इसी तरीके से ये पानी जो है यहाँ पे लीक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी काम होता है और ये पानी की पाइपलाइन फिर फूट जाती है। यही नहीं, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो पाइपलाइन है, ये जो रास्ता आप यहाँ पे देख रहे हो वो पूरी तरीके से खस्ता हालत में है, यानी कि यहाँ पे ये रास्ता ख़राब होने के कारण कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन बार बार लगातार टूटती है। ऐसा यहाँ के स्थानिक नागरिकों का और स्थानिक व्यापारियों का कहना है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जैसे परमानेंट वर्क होना चाहिए उल्लासनगर महानगर पालिका के पानी विभाग द्वारा, वो नहीं हो पाता है और यही कारण है कि यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। करीब 6-7 साल से ये पानी का लीकेज और ये रोड जो है यहाँ पर टूटल है, थोड़ा रिपेयरिंग होता है टूटते है, रिपेयरिंग होता है टूटते है, हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम। तो काम अच्छे से नहीं होता है यहाँ पे, काम बराबर नहीं होता, इसलिए तो होता है ना, काम बराबर नहीं होता है। और रबर बैंड बांधेंगे, कुछ थोड़ा मट्टी गिरा देंगे, पत्थर गिरा देंगे, उससे काम होता है क्या? तो इसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं यहाँ पे? एक्सीडेंट वो थोड़ा गिरते हैं ना, बहुत लोग गिर जाते हैं, डेथ नहीं हुआ है लेकिन गिरते हैं लोग, फिसल जाते हैं। हमेशा ऐसा ही रहता है और ये पाइपलाइन हमेशा टूटी हुई होती है और पूरा भरत पानी बहता है, चाहे पानी की शॉर्टेज हो तो भी। हाँ काम होता है ना, रबर बांध के जाते हैं, दो रबर बांधते हैं, गाड़ी निकलता है, फिर टूट जाता है, फिर बहता है। काम तो हर बार करते हैं वो, लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं है। पूरे उल्लासनगर शहर का अगर जायजा किया जाए, अगर पूरे शहर में देखा जाए तो शहर के कई ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की पाइपलाइन टूटी हुई होने के कारण कई बार लाखों लीटर पानी ऐसे ही रास्ते पर वेस्ट हो जाता है। हाल ही में शहर के वरिष्ठ नगर सेवकों द्वारा उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त के कैबिन के सामने एक छोटा सा धरना किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि शहर में कैसे पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। शहर के कई ऐसे इलाके जहाँ पे बूंद बूंद पानी के लिए नागरिक आज भी तरस रहे हैं और शहर के कई ऐसे इलाके जहाँ पे प्रशासन की लापरवाही के कारण इसी तरह पानी रोजाना वेस्ट हो जा रहा है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। शहर में एक तरफ हो रही है पानी की बर्बादी और एक तरफ हो रही है पानी की किल्लत। इसी दौरान धर्माजी पाटिल कॉलोनी उल्लासनगर 5 के रहवासियों ने पानी की किल्लत की वजह से निकाला मोर्चा और पहुंचे वाटर सप्लाई की ऑफिस में। आम्ही पाण्यासाठी इथे आलेला आहे, आमच्यासोबत स्वतः नगरसेवक सुद्धा इथे पाण्यासाठी इथे आलेले आहेत। आता आम्हाला जवळजवळ 2.5 वर्ष झाले पाण्यापासून आम्ही वंचित आहोत, आमच्या घरी प्यायला सुद्धा पाणी भेटत नाही आहे आणि बाजूचा त्याच परिसरामध्ये दुसऱ्या परिसरामध्ये बिना मोटरनी 1 पाण्यापर्यंत पाणी चढतं आहे आणि आमच्या परिसरामध्ये थेंबसुद्धा आम्हाला पाण्याचा मिळत नाही। नगरसेवकांनी 10 वेळा यांना लेटर दिले, सांगितलं तरी पण हे प्रशासन ऐकत नाही। आम्हीसुद्धा हे प्रशासनाला लेटर 6व्या महिन्यामध्ये दिलेलं आहे, त्याच्यावरही आणखी आपल्या यांनी काही केलेलं नाही, नुसते फक्त आश्वासन देते। आम्ही जेव्हा इथे येतो तेव्हा हे BS पाटील वगैरे हे सगळे म्हणजे मीटिंगला गेले असे उळवळवीचे उत्तर देऊन आम्हाला इथून दरवेळेस हकलून लावतात, त्याच्यामुळे आज आम्ही TV न्यूजवाल्यांना त्यांना बोलवलेलं आहे आणि इथं मोर्चा घेऊन आलेला आहे।
आम्हाला आमचा मोर्चा जर पाण्यावाचून जर आम्हाला मरायचं असेल त्याच्यापेक्षा आम्ही इथं आत्मदहन करू सगळे लोक, आम्ही इथं रॉकेल टाकून पेटवून घेऊन मरू पण पाण्यापासून आम्ही वंचित होऊन मरणार नाही. यांनी जे टाक्या बनवल्या, जे मोठ्या मोठ्या टाक्या दिसतात हे सगळ्या टाक्या वेस्टेज आहे यांच्यावाला. पैसा म्हणजे आमच्याजवळून जे कर घेतात आणि त्याच्यापासून हे लोक पैसे खाऊन टाक्या बनवल्या, हे बनवल्या असं सांगतात, पण त्याचा पब्लिकला फायदा होत नाही आहे. ज्या होत असेल त्याला होत असेल, पण आम्हाला त्याचा बिलकुल फायदा नाही. आम्ही धर्माजी पाटील कॉलनी शांतीप्रकाश हायस्कूलच्या पाठीमागचा एरिया आहे आमचा. आम्ही आमच्या इथे 4 फुटाचा म्हणजे उंच हाईट होती त्या पाईपलाईनची. आम्ही स्वतः परशुराम पाटलांनी आम्हाला प्लंबरचे पैसे देऊन आम्ही ते पाईपलाईन दुरुस्त करून घेतली, सरळ केली, पण त्याच्यापेक्षा आम्हाला पाणी उलट कमी झालं, पण वाढलं नाही आमचं पाणी. 4 फुटाची हाईट आम्ही कमी केल्यानंतर आम्हाला पाणी वाढायला पाहिजे होतं, पण ते वाढलेलं नाही आहे, ते कमी झालं उलट. आम्हाला प्रशासनाकडून एकच विनंती आहे, एक तर आम्हाला पाणी द्या, नाही तर रॉकेल द्या. आम्ही सगळेजण इथं पेटून घेतो आणि बस आमचं आम्ही जीवन संपवतो. पाण्यापासून वंचित राहून आम्ही तडफडून मरण्यापेक्षा आम्हाला रॉकेल द्या, एक संगती आम्ही सगळे इथं मरायला तयार आहे. नाही आम्ही जाणार नाही, आणि इथून कोणाला बाहेरही जाऊ देणार नाही कुठल्या अधिकाऱ्याला. इथं आयुक्तांना वगैरे येऊन आम्हाला लेखी आश्वासन द्यावं का आम्हाला कधी पाणी देणार आहे, तरच आम्ही हलणार इथून. काय फक्त जे म्हणतात की तिथे मीटिंग चालू आहे, आज कोणी येऊ शकत नाही, तुम्ही सोमवारी या असं तसं आम्हाला सांगतात. आता लोकांना पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे की यांची मीटिंग महत्त्वाची आहे हे आम्हाला कळत नाही. लोक पाण्यापासून मरा लागले ते राहिलं बाजूला, पण यांची मीटिंग फार महत्त्वाची झाली आहे. आयुक्ताला हे वेळ नाही का पब्लिक आली आहे, तू आयुक्त हा पब्लिकच्या पैशावर पगार घेतो, त्याला गव्हर्नमेंट पगार जी देते हे पब्लिकपासून पैसा तरी सुद्धा आमच्या ऐकलेलं नाहीये. माहिती का आम्ही पाणी भरायचं का मुलांना शाळेत पाठवायचं. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. शहर के कई गणपति मंडलों ने किया गणपति विसर्जन अनंत चतुर्थी के बाद, पर हिलनाइन पुलिस स्टेशन उल्लासनगर 5 ने उन गणपति मंडलों के खिलाफ किया मामला दर्ज. आइए देखते हैं रिपोर्ट. गणेशोत्सव शुरू होने से पहले ही हम आपको बता दें कि उल्लासनगर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ आदेश उल्लासनगर शहर के सारे गणपति पंडालों को दिए गए थे, जिसमें एक मुख्य नियम ये था कि शहर में जितने भी गणपति मंडल है उन्हें अपने गणपति बप्पा का विसर्जन गणेशोत्सव के 12वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन ही करना है. लेकिन इसके बावजूद शहर में कई ऐसे गणपति मंडल सामने आए जिन्होंने इस नियम का उल्लंघन करते हुए दिए हुए तारीख पे गणपति का विसर्जन नहीं किया है बल्कि उसके एक दिन बाद किया है. ऐसा ही कुछ सामने आया उल्लासनगर 5 के हिललाइन पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले कुल 4 मंडलों द्वारा, जहाँ पे इन मंडलों द्वारा हम आपको गणपति मंडलों के नाम भी बताना चाहते हैं. SDS ग्रुप, गेमनानी ग्रुप, जय झूलेलाल ग्रुप और ब्लैक बॉयज गणपति ग्रुप, इनके द्वारा अनंत चतुर्दशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन बाद यानी कि गणेशोत्सव के 13वें दिन अपने गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया, जिसके बाद हिललाइन पुलिस द्वारा एक विशेष कार्रवाई इन चारों गणपति मंडलों पर की गई है, यानी कि IPC की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस कायदा कलम 68 और 140 के तहत जो हिललाइन पुलिस है इन मंडलों के ऊपर विशेष कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उन्होंने एक अहम उल्लासनगर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन के नियम का उल्लंघन किया है. हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हिललाइन पुलिस स्टेशन एक ऐसा लौता पुलिस स्टेशन है जिस पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले गणपति मंडलों ने डॉल्बी फ्री गणेशोत्सव मनाया है, और जिसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन यानी कि आयुक्त द्वारा एक विशेष बख्शीश और विशेष पारितोषिक भी इन गणपति मंडलों को दिया जाने वाला है. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर 4 वीनस चौक परिसर में अतिक्रमण कर सब्जी बेच रहे सब्जी विक्रेताओं पर मनपा के अतिक्रमण विरोधी विभाग ने की तोड़ू कार्रवाई. आइए देखते हैं रिपोर्ट. उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर भर के कई इलाकों में जहां पे अवैध अतिक्रमांक बनाए गए हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है. तो ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के वीनो चौक परिसर की यदि बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक बाजी मार्केट यहां पे जो है हुआ करता था. इसके ऊपर पहले भी उल्लासनगर महानगर पालिका ने कार्रवाई की थी, लेकिन आज एक बार फिर से दोबारा इन्हें जो है कार्रवाई करने को यहाँ पर आना पड़ा है, क्योंकि पहली कार्रवाई के बाद जो है यहाँ पर फिर से दुकानें लगा दी गई थी, जिसके वजह से यहाँ पर जो है आज फिर से उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही.
बहरहाल एक सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से शहर के अवैध अतिक्रमांकों के ऊपर जो कार्रवाई उल्लासनगर महानगर पालिका लगातार करते आ रहा है, लेकिन वहीं शहर में जो बड़े बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहाँ पे शहर में बड़ी बड़े जो अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की इस तरीके की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। एक बार मैं तस्वीरों के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि एक अतिक्रमांक एक भाजी मार्केट को तोड़ने के लिए यहाँ पे कितना बड़ा बंदोबस्त लगाया गया है, और वहीं जब अवैध निर्माण कार्यों की बात आती है तोड़ने के लिए तो महानगर पालिका और पुलिस विभाग द्वारा ये कहा जाता है कि उनके पास इतना बल नहीं है कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई कर पाए। तो बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो है छुटपुट कार्रवाई हम बोलेंगे, क्योंकि शहर के बड़े जगहों पर जो है कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब ये बात यहाँ पे उठने लगी है कि शहर के अवैध निर्माण कार्यों को इस प्रकार से इतना सीरियस नहीं लिया जाता जितना जो छोटे मोटे अतिक्रमांक होते हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है। तो बहरहाल अब देखना यह होगा कि आगे किस प्रकार की कार्रवाई उल्लासनगर महानगर पालिका की शहर भर में देखने को मिलती है। इसी तोड़ू कार्रवाई के चलते हमने बातचीत की मनपा के अतिक्रमण विभाग अधिकारी से, आइए देखते हैं क्या है कहना उनका इस तोड़ू कार्रवाई के बारे में। सर, जिस प्रकार से आज वीनस चौक परिसर में जो कार्रवाई देखने को मिली, जो अतिक्रमण में यहाँ पे बनाए गए थे, जो भाजी मार्केट बना हुआ था, किस प्रकार की कार्रवाई थी? इसके पहले भी ये कार्रवाई की गई थी? इसके पहले दो बार इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, दो बार ये निकाला गया था और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी फिर भी उन्होंने ये लगाया है, लेकिन ये टेम्पररी पेंडल्स के तरह इन्होंने ये लगाया है, अभी उसका निष्कासन का कार्रवाई चालू है। सर, इसके बारे में कहीं शिकायत हुई होगी या फिर महानगर पालिका इस प्रकार की जो कार्रवाई पहले से करते आ रही शहर भर में, ये उसी का एक हिस्सा है? महानगर पालिका जो पहले से ये कार्रवाई करते आ रही है उसी का ही ये एक हिस्सा है। दूसरी बात, इनके कंप्लेंट्स भी बार बार कमिश्नर साहब के पास आ रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवसाय किया जा रहा है ये इलीगल है वगैरह, ऐसे बहुत सी कंप्लेंट्स आई है, वो हिसाब से ये कंप्लेंट के हिसाब से इसका निष्कासन चालू है। सर, अतिक्रमांकों पे तो कार्रवाई उल्लासनगर महानगर पालिका की जोरों से चल रही है, वहीं पे ये जानना चाहेंगे कि शहर के इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर की कार्रवाई ऊपर अब अंकुश देखने को मिल रहा है, वो क्यों? ये जो बार बार कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से शायद अनधिकृत बांधकाम करने वालों के मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया है और उसके हिसाब से ही ये काम थोड़ा सा स्लो हो गया है। अभी फिलहाल प्रभाग समिति 3 और प्रभाग समिति 4 क्षेत्र हैं, एक भी अनधिकृत बांधकाम नहीं है। अगर हमें ऐसा पता चलता है कि कहीं हो रहा है तो हम लोग उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मारलगांव परिसर में गणपति विसर्जन के वक्त हुई दो गुटों में मारपीट, मारपीट के वक्त हुई एक व्यक्ति की मौत, आइए देखते हैं क्या है रिपोर्ट। माझा नाव परवेश शेगे, माझा आज एक वाद झालेला मारलगांव मध्ये, ते एक सूरज नावाचा पोरगा होता उर्फला गाठल्या, तर आमचा 2 दिवसापूर्वी त्यांचे मास झालेले गणपतीशी की गाडी दे नाही तर गणपती चाललाय, बसवलेले गणपती त्यांनी बसून नाही दिले, आमची गणपती गेली त्याच्या भांडणा गेले, माझ्या भावाला मारला, माझ्या सालेला पहिले मारला त्यांनी, सालेला मारल्यानंतर त्यांनी, तुम्ही कोर्टात होतो कल्याण कोर्टामध्ये, तिथून मला फोन केला, ते बोलते तुला फोन करे नाही, माझी तुझ्या घराच्या इथं उभा आहे मी, माझी मिसेसने फोन केला, मिसेसला बोलते ते लोक धमक्या गाडी करत होते, त्याला बोलते माफी मागायला आले, आम्ही बोलते सोऱ्या करतात हे लोक, मारा करतात मारकरे करतात, तर बायकोला शिव दिलं, माझ्या बाय मशीनला पण मारलं, नंतर त्यांनी फोन केला, मी मला नाही उचला, तर रात्री मी 12 आलो तिकडं, मी होतो, माझा साला होता, माझा भाऊ होता, माझा भाऊ पलीकडं होता, मी गाडी जशी थांबवली लोकांनी राईट मारली, गाडी दाबून त्या लोकांनी गाडी दाबली अशी, आम्हाला थांबवलं आणि मार तिथं पूर्ण फिल्डिंग लागली होती त्यांची, पोरांचे 50-60 पोरं होते, पूर्ण फिल्डिंग लागली त्यांची फिंडी लागली, मला उतरवला खाली आणि पहिले मला चामाट दिली, पहिले फाडफूड मारला त्या लोकांनी, एकाने रॉड टाकली, एकाच्या तलवार होती, एकाच्या रॉड होती, एकाने रॉड टाकली, पाठी मारला, मारल्यानंतर त्या लोकांनी मी हातातून निष्ठून गेलो, नंतर ते माझी गाडी फोडून टाकली, माझ्या भावाला पळापळ त्याला धावला, त्याला पण मारला, माझ्या सालेला पण मारला, भाऊ माझा वारला, त्या लोकांनी असा मारला बेदरम्यासारखा की ते वारलाय केम मध्ये, आता त्याची सकाळी फोन आला होता मला की ते एक्सपायर झाले, कारण काय गणपतीचं कारण हे होतं की आमची झालेली भांडणं दुसऱ्याची मुलं, तर त्यांची वातावरण म्हणजे गाडी दे मला तू, माझे गणपती सोडायला जायचं आहे, त्यामुळे त्याला गाडी दिली नाही, त्याला आमचा पण गणपती चालला आहे, तर त्यांनी त्याच्या मुलं भांडणं वाढवले आणि मला धार हानमारीचा हे केलंय, सूरज चौधरी, रवी बागवानी, युवराज पंचानी, सुभाष भोईर, राहुल नायक, पेंटे आईर,
स्वप्नील चौधरी मेन आहे हो, यांनी मला पहिले मारला आणि माझ्या भावाला मारला हो स्वप्नील चौधरी वकील, स्वतःला बोलतो मी वकील आहे, मला बोलतो वकील आहे मी काय पण करू शकतो, सुमन यशवंत चौधरी चा बाप। 50-60 लड़के लोग थे, वो लोग 50-60 लड़के लोग सीधा घर में घुस के घुसे और वो लड़के को बाहर निकाला और वो तांबी तलवार से इतना मारा बहुत मारा उसको, बहुत मारा, तीन जना बहुत मारा, पूरा खून से वो पूरा लाल हो गया था, फिर वो गिर गया तो फिर वो कम से कम 2 घंटा तक नीचे पड़ा रहा, उसको टच भी नहीं करने दे रहे थे वो लोग, मार के ऐसे उसको घेर के खड़े थे, उसको टच भी नहीं कर रहे थे, जो आड़ोसी पड़ोसी निकले ना एक दो जन बचाने के लिए, उसको भी वो लोग ने, लड़के लोग ने बहुत मारा, एक जन पानी देने आया तो उसको भी वो लोग ने बहुत मारा। क्या वजह क्या थी, क्यों मार रहे थे? वजह सिर्फ वही थी, मेरी दीदी का लड़का, वो लोग उसके जीजा ने गणपति बिठाया था तो वो लोग गणपति विसर्जन के लिए टेम्पो चाहिए था वो लोग को, तो वो टेम्पो बुक करने गया था, तो उधर उस लड़के का, मेरी दीदी के लड़के का, अरुण का और सामने वाले लड़के का सिर्फ दो चाटा मारा मेरे दीदी के लड़के ने, इसलिए वो लोग ने इतना फोज लेके आया, यही वजह, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। तो यहाँ पे तोड़फोड़ भी क्या, तोड़फोड़ किया, ये लोग का घर तोड़फोड़ किया, वो कार पूरा तोड़फोड़ किया, बाइक पूरा तोड़फोड़ किया, सब मंडल में भी तोड़फोड़ किया, मंडल में भी तोड़फोड़ किया। वे क्या चाहते हैं, जो न्याय क्या चाहते हैं? हमको तो न्याय चाहिए ना, वो लोग को फांसी मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, उम्र कैद मिले वो लोग को। महरल गांव में कल रात में 2 गुट में झगड़ा हो गया था, गली में कई बच्चे थे आपस में, उनकी मारपीट हो गई, उसमें मेहंदी करके एक लड़का है जिसके सर में जबरदस्त मार लग गया था, जजा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, लेकिन वो सुबह में उसका इंतकाल हो गया। इस सिलसिले में 302 का गुना दाखिल है, तपास जारी है, गुना दाखिल है, 4 आरोपियों को हमने ताबे में लिया है। हाँ, क्रॉस कंप्लेंट है, अभी उसका तपास जारी है उसका। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए देखते हैं शहर में घट चुकी कुछ आपराधिक घटनाएं। उल्हासनगर 3 हीराघाट परिसर में निखिल गायकवाड़ नामक व्यक्ति को एक टेम्पो द्वारा ठोकर मारने और गंभीर रूप से जख्मी करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है टेम्पो चालक की लापरवाही के कारण संबंधित व्यक्ति जो है वो जख्मी हुआ है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 279, 337, 338 और 184 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्हासनगर 4 बंगलो एरिया परिसर के रहिवासी जीतू रामचंदानी के ऊपर विट्ठलवाड़ी पुलिस द्वारा एक विशेष कार्रवाई की गई है। विट्ठलवाड़ी पुलिस द्वारा जीतू रामचंदानी को उल्हासनगर शहर में आने के लिए मना करने के बावजूद उन्होंने उल्हासनगर क्षेत्र में प्रवेश किया। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 37(1) और 135 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। अंबरनाथ निवाली परिसर में प्रमोद भोईर नामक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी के चलते संबंधित युवक के साथ बीच रास्ते में रोम जाधव और गर्व जाधव नामक युवकों द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 143, 147, 148, 149, 323, 324, 504 और 427 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। संदेश। आज सभी को जल्दी है, आपाधापी भाग दौड़ की जिंदगी में सबको जल्दी पहुंचना है, सभी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। इस भाग दौड़ में यातायात नियमों की अनदेखी ना करें, सभी भाग्यशाली नहीं होते। आप देख रहे हैं इस वीडियो में एक मोटरसाइकिल सवार जो कि जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा है, नियमों का पालन करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर ना खड़े रहें, किस्मत से वो बच गया। सभी ऐसे भाग्यशाली नहीं होते, तो दो दुर्घटनाओं से 2-4 होने के बावजूद ये व्यक्ति जीवित बच गया, लेकिन सब ऐसे नसीबवान नहीं होते, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जान है तो जहान है। संदेश।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी आज की ताजा खबरें, फिर मिलेंगे नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।